बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीरीज टुडे। 20 जनवरी 2021 फ़िरोज़ बुध। दोस्तों आज की सऊदी अरब से की ताज़ तरीन रिपोर्ट के साथ मैं आपको होस्ट अली हाजिर हूँ। दोस्तों बढ़ते हैं तफ़सील की जानिब और आज की ताज़ तरीन कोरोना रिपोर्ट से आपको बाखबर करते हैं। दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं जो कि 200 से भी ऊपर चले गए हैं और ये एक ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है सऊदी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान आज 20 जनवरी की रिपोर्ट के मुताबिक 238 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जो कि अभी कोरोना वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं उसके बावजूद भी 238 अफराद जो हैं इस कोरोना में मुबतला पाए गए। इसी तरह दोस्तों अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 173 अफराद रिकवर भी कर चुके हैं और 3 हलाकतें पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि कम तरीन है। इसी तरह दोस्तों अगर बात करें नए किसी के हवाले से सिटी वाइज, तो मंतका रियाज से सबसे ज़्यादा केस सामने आए जहाँ से टोटल तादाद 86 रही। इसी तरह अल शिरकिया से 56 केस, मंतका मक्का मुकरमा से 38 केस, मंतका मदीना मुनरा से 11 केस और मंतका जाजान से हैल से 11 केस हैं। असीर से 10 केस सामने आए, हदौद अल शुमाली से 10, अलबाह से 6, कसीम से 4, नजरान से 3, जाजान से 1, अलजौफ से 1, तबूक से 1 केस सामने आया। दोस्तों अगर मजमूई केस के हवाले से बात करें तो सऊदी अरब में टोटल मुतासरीन की तादाद 3,65,563 हो चुकी है और दोस्तों 3,57,170 अफराद अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर चुके हैं। 6,338 अफराद इस कोरोना की वजह से जान की बाजी हार चुके। दोस्तों एक्टिव केसेज में सऊदी अरब में इजाफा देखने में आ रहा है पिछले कुछ दिनों से, जो टोटली तौर पर अब अगर एक्टिव केसेज के हवाले से बात करें तो 2,048 है, जो पिछले 1800 तक जो है केस पहुंच चुके थे। इसी तरह दोस्तों अगर बात करें तो 331 की हालत इनमें से नाजुक है, जिन्हें इंतहाई नगाशियत के नुट में ज़रिलाज रखा गया है। अल्लाह पाक इन तमाम अफराद को सेहत कामला अता फरमाए और बाकी तमाम लोगों को कोरोना से महफूज करे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं कॉरिडोर के साथ, अल्लाह हाफिज़।